नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों सारा प्यार। दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को एडवांस नए साल की मुबारक देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है खास, इसी विषय में है दोस्तों। मैं चाहता हूं, मैं जितने सारे व्यूवर्स हैं तेलुगु भाषा में, अपने दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ, सभी को जो तेलुगु लोग होते हैं उन्हें आप तेलुगु भाषा में ही नए साल की शुभकामनाएं प्रदान करें, और क्या क्या करना चाहते हैं और उनका क्या प्लान है, कैसे पूछते हैं वो भी आप लोग को बताना है। दोस्तों, कैसे बताएंगे? जब आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप लोगों ने क्या समझा मेरे सवाल का सही सही जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं या पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा नया साल, नया मतलब हम कोत्ता भी बोलते हैं और नूतना, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को वाक्य में कौन सा शब्द आसान रहेगा बोलने के लिए और सुनने वाले को अच्छा रहेगा, मैं उसी शब्द का प्रयोग करूंगा दोस्तों, जिसे आप भी अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा और मैं किस प्रकार से उसका संबोधन कर रहा हूं, कैसे मैं बोल रहा हूं, उसे आपको सीखना है। दोस्तों, मैं तो आप लोगों को शुरू से ही लंबे लंबे वाक्यों से नहीं बताऊंगा दोस्तों। पहले एक ही शब्द बताऊंगा, उसे अर्थ बताऊंगा, फिर एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्दों को जोड़कर किस प्रकार से हम अभिनंदन देते हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वो वाक्य क्या क्या है, वो शब्द क्या क्या है, उन्हें भी हम जान लेते हैं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभाकांक्षलु, शुभाकांक्षलु। शुभकामनाएं, शुभाकांक्षलु। आपको शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। मीकु शुभाकांक्षलु, मीकु शुभाकांक्षलु। तुम्हें या तुझे शुभकामनाएं, तुझे शुभकामनाएं। नीकु शुभाकांक्षलु, तुझे नीकु शुभकामनाएं। शुभाकांक्षलु, नीकु शुभाकांक्षलु। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। मी अंदर की शुभाकांक्षलु, मी अंदर की शुभाकांक्षलु। दोस्तों, देख रहे हैं ना मैं किस माध्यम से एक ही शब्द के बाद दूसरा शब्द जोड़ रहा हूँ, फिर तीसरा शब्द जोड़ रहा हूँ। इससे क्या होता है, हमें एक वाक्य को बोलने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, दोस्तों अगर आप किसी को भी शुभकामनाएं प्रदान करते होंगे, वास्तव में दोस्तों सही में हम क्या करते हैं, उनके परिवार वालों को देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या देते हैं ना, तो उन्हें हम कैसे प्रदान करें दोस्तों? बहुत आसान है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, आपको और आपके परिवार वालों को, आपको और आपके परिवार वालों को। इसे हम तेलुगु में क्या बोलेंगे, मीकु मरियु मी कुटुंबानिकि, मीकु मरियु मी कुटुंबानिकि। आपको, मीकु और मरियु आपके परिवार को, मी कुटुंबानिकि। नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु, नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु। अगर हम इन दोनों वाक्य को एक वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मीकु मरियु मी कुटुंबानिकि नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु। क्या कहा दोस्तों, मीकु मरियु मी कुटुंबानिकि नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु। जब कोई आपको नए साल की विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो आप भी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आपको भी नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको भी नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, तेलुगु में तो ढेरों सारे मतलब चाला चाला बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ये तेलुगु में बोलने के लिए थोड़ा मजा नहीं आता है, इसलिए सिंपली आप बोल सकते हैं मीकु कूडा नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु। क्या बोलेंगे, मीकु कूडा नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु। इस प्रकार से दोस्तों, आपको भी मीकु कूडा नए साल की नूतन संवत्सर
ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाकांक्षलु, या आप बोलना चाहते हैं अपने दोस्त हो जिसके करीबी हो वहां पे बोल सकते हैं चाला चाला शुभाकांक्षलु। क्या बोल सकते हैं? चाला चाला, लेकिन आप इतना बोलने से काफी है। मेकुड़ा नूतन संवत्सर शुभाकांक्षलु, इतना बोलने से भी होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछेंगे नए साल में आप कहाँ जा रहे हैं, नए साल में आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे కొత్త సంవత్సరంలో మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, కొత్త సంవత్సరంలో మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, నయ సాల్ మే, కొత్త సంవత్సరంలో ఆప్ మీరు కహా జా రహే హై, ఎక్కడికి వెళుతున్నారు, కొత్త సంవత్సరంలో మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు। అగర్ ఆప్ బోలెంగే హమ్ తో కహీ నహీ జాయెంగే, క్యా బోలెంగే? అగర్ ఆప్ కహీ నహీ జాయెంగే తో క్యా బోలెంగే? ఆప్ ఐసే బోలెంగే, नए साल में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, नए साल में हम कहीं नहीं जा रहे हैं। కొత్త సంవత్సరంలో మేము ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళటం లేదు, కొత్త సంవత్సరంలో మేము ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళటం లేదు। नए साल में, కొత్త సంవత్సరంలో, कहीं भी, ఎక్కడికి కూడా नहीं जा रहे हैं, వెళ్ళటం లేదు। కొత్త సంవత్సరంలో మేము ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళటం లేదు। అగర్ ఆప్ కహీ జాతే హోంగే, హో సక్తా హై కోయి అచ్చా పార్క్ హో యా కోయి అచ్చా సా పిక్నిక్ స్పాట్ హో, ఆప్ వహాన్ పే యే నామ్ దే సక్తే హై। జైసే ఆప్ బోల్ సక్తే హై హమ్ నయే సాల్ మే పార్క్ జాయెంగే, హమ్ నయే సాల్ మే పార్క్ జాయెంగే, మేము కొత్త సంవత్సరానికి పార్క్ కి వెళ్తాము, మేము కొత్త సంవత్సరానికి పార్క్ కి వెళ్తాము, హమ్ మేము నయే సాల్ మే కొత్త సంవత్సరానికి పార్క్ జాయెంగే, పార్క్ కి వెళ్తాము, మేము కొత్త సంవత్సరానికి పార్క్ కి వెళ్తాము। దోస్తో మేనే యహాన్ పే పార్క్ కా ఏక్ ఎగ్జాంపుల్ దియా హై, ఆప్ వహాన్ పే కోయి పిక్నిక్ కా స్పాట్ భీ, మత్లబ్ పిక్నిక్ స్పాట్ హో, ఆప్ చాహతే హై కి సినిమా దేఖ్నే జానా హో, మత్లబ్ జో భీ ఆప్ వో శబ్ద్ కో యహాన్ పే जोड़ सकते हैं। अगर आपको नए साल में सिनेमा देखने जाना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं हम नए साल में सिनेमा देखने जाएंगे, हम नए साल में सिनेमा देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम क्या बोलेंगे? इसी प्रकार बोलेंगे मेमु కొత్త సంవత్సరానికి सिनेमा చూడడానికి వెళ్తాము, मेमु కొత్త సంవత్సరానికి सिनेमा చూడడానికి వెళ్తాము, हम नए साल में, मेमु కొత్త సంవత్సరానికి सिनेमा देखने, सिनेमा చూడడానికి जाएंगे, వెళ్తాము, మేము కొత్త సంవత్సరానికి सिनेमा చూడడానికి వెళ్తాము। और कोई कोई होते हैं ना दोस्तों कहीं भी नहीं जाकर घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, करते हैं ना, हम तो घर में करते हैं दोस्तों, बाहर कहीं जाते, ये मेरा सेंटेंस है। हम नए साल को घर में ही पालन करते हैं, हम नए साल को घर में ही पालन करते हैं, మేము కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇంట్లోనే జరుపుకుంటాము, మేము కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇంట్లోనే జరుపుకుంటాము, హమ్ మేము నయే సాల్ కో కొత్త సంవత్సరాన్ని ఘర్ మేహి ఇంట్లోనే పాలన్ కర్తే హై జరుపుకుంటాము, మేము కొత్త సంవత్సరాన్ని ఇంట్లోనే జరుపుకుంటాము। दोस्तों अगर आपको पूछना हो कि नए साल में आप घर में क्या बनाने वाले हैं, क्या पकवान बनाने वाले हैं, अगर हम तेलुगु में पूछेंगे ना दोस्तों, ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा कि ये हमसे तेलुगु में पूछ रहे हैं, तो हम पूछेंगे नए साल में क्या पकवान तैयार कर रहे हैं, नए साल में क्या पकवान तैयार कर रहे हैं, కొత్త సంవత్సరానికి ఏం పిండి వంటలు తయారు చేస్తున్నారు, కొత్త సంవత్సరానికి ఏం పిండి వంటలు, యా ఏమి పిండి వంటలు తయార్ కర్ రహే హై, తయారు చేస్తున్నారు, కొత్త సంవత్సరానికి మీరు ఏమి పిండి వంటలు తయారు చేస్తున్నారు, నయే సాల్ కో ఆప్ క్యా పక్వాన్ తయార్ కర్ రహే హై। హమ్ ఘర్ మే పూరి సబ్జీ ఆర్ ఖీర్ బనాయెంగే, హమ్ ఘర్ మే పూరి సబ్జీ ఆర్ ఖీర్ బనాయెంగే, మేము ఇంట్లో పూరి కూర మరియు పరమన్నం తయారు చేస్తాము, మేము పూరి కూర మరియు పరమన్నం తయారు చేస్తాము, హమ్ మేము ఘర్ మే ఇంట్లో పూరి
कोरा पूरी सब्जी और मरियू खीर परवनम बनाएंगे तैयार चेस्तामु। मेमु इंट्लो पूरी कोरा मरियू परवनम तैयार चेस्तामु। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बस इतना ही है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को जितना भी सिखाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप इतना भी सीख लेंगे ना दोस्तों, इतने ही वाक्य अपने दोस्तों में या अपने कोई रिश्तेदार हो जो भी हो उनमें भी आप इन वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। तो आज का मेरा सवाल है, आपको नया साल मुबारक हो, आपको नया साल मुबारक हो, यही मेरा आज का प्रश्न है। देखते हैं मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले मेरे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चाहते हैं दोस्तों शेयर करना हो शेयर कीजिएगा, दिए से अच्छा कमेंट भी दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जो भी मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर ठीक समय पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार।